ये जब आप कलरिंग कर रहे होते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने दरख बनाया, उसके नीचे दरिया बह रहा है, झील है, और उसके नीचे आपको जगह बनानी है। दरख्त और झील के बीच में जो जमीन है ना, वो आपको बनानी है। तो वो आप किससे बनाओगे? इस कम्बलिंग से बनाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने दरख्त बनाया, बड़ा घना दरख्त है, उसमें ग्रीन कलर भरना आपको, तो वहां पर आपको इस कम्बलिंग जो है वो यूज करनी है, सही है। उससे जो है वो लाइट एंड डार्क का जो तस्वीर है वो आपका क्लियर होता है। तो ड्राइंग के अंदर जब भी लाइट एंड डार्क की बात हो और मुख्तलिफ किस्म के शेड और स्ट्रोक की बात हो, तो दरअसल हम वैल्यू जो है उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा कोर्स आधा जो है वो तकरीबन हो गया है। मैं दोबारा से कोर्स आउटलाइन डिस्कस करके इख्तितामी बात करूं, तो आज की क्लास में हम सात एलिमेंट्स में से तीन एलिमेंट पढ़ पाए, सही है। पहला एलिमेंट हमने पढ़ा लाइंस, और लाइंस की हमने सारी किस्में पढ़ी। दूसरा एलिमेंट हमने पढ़ा कलर थ्योरी, और बहुत डिटेल में हमने पूरी कलर थ्योरी समझने की कोशिश की। और तीसरा एलिमेंट हमने पढ़ा वैल्यू का, सही है। मैंने आपको इस सारे प्रोसेस से गुजारा। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ और ऐड कर दूँ, ये बुनियादी तौर पर पूरा एक कोर्स है। यानी जब हम ये कहते हैं कि मॉन्टेसरी से लेके आठवीं जमात तक के बच्चों को ड्राइंग में क्या पढ़ाया जाए, तो ये पूरा दरअसल ये क्या है, कोर्स है। तो मैंने ये कोर्स है तकरीबन 11 किताबों में इसको डेवलप कर दिया है। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक किताब है, ठीक है। तो इस किताब के अंदर, काफी मोटी किताब है, नॉर्मली हमारे यहाँ ड्राइंग की किताब इतनी मोटी नहीं होती, ठीक है, बल्कि पतली सी होती है और बच्चों को सिर्फ कलर कराया जाता है। लेकिन ये जो किताब है, इस किताब के अंदर ये जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं साथ के साथ, हर किताब में सातों एलिमेंट्स पर काम कराया गया है। और हमने कोशिश की है कि ये ग्रेजुअली जाएं, यानी मॉन्टेसरी में स्लो हो, लाइट हो, कम काम हो, और जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते जाएं, वैसे वैसे चीज़ें जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएं। तो ये जो किताब है, इस किताब में कलर थ्योरी, इसमें वैल्यू, ठीक है, इसमें हमने जो अभी हैचिंग पढ़ी, ठीक है, इसमें 40 पेज जो हमने रखे हैं वो कलर के रखे हैं, यानी कलर पेज हैं। यहाँ 40 तक ये बुक है, इसमें भी लाइन के जरिए जो है वो कैरेक्टर बनाना भी हमने सिखाया है। अच्छा, उसके बाद ये जो 64 पेजेस हैं, ये दरअसल इसी की प्रैक्टिस है। जैसे मैंने आपको पेज दिया है प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही ये वाले सारे पेजेस जो हैं वो किसके हैं, प्रैक्टिस के हैं, ठीक है। तो ये जो किताब है, तकरीबन 11 किताबें हैं ये, जो मॉन्टेसरी से शुरू करके आपको कहाँ तक लेके जानी है, आठवीं जमात तक इस 11 किताबों में पूरा कोर्स और उसकी सारी मश्क और उसके सारे उसूल और ज़ाब्ते हमने डेवलप कर दिए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी आपकी, उसमें हमने आज तीन एलिमेंट पढ़ लिए, चार एलिमेंट के लिए हम अगले हफ्ते फिर बैठेंगे। और आपसे गुजारिश है कि जो और टीचर्स आप चाहते हैं, ख़ास तौर पर ड्राइंग के टीचर जो आपके स्कूलों में ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, उनको यहाँ लेकर आइए, ताकि उनकी जो स्किल्स है ड्राइंग की वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। आज आप जिस तजर्बे से गुजरे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बड़ा अनोखा और बड़ा नया तजर्बा होगा। इस तजर्बे में आप दूसरों को भी शामिल करें। ये जो मैंने आपको पेपर दिया, ये इसको वापस लाइएगा ज़रूर, अगली बार जब आप आएँ तो ये लेकर आइएगा। और अगर ज़्यादा लोग आ रहे हों आपके साथ, तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर दीजिए कि सर ज़्यादा लोग हैं, ताकि मैं इसके मज़ीद प्रिंट निकाल के रखूं, और हर एक को जो है वो एक ये वाला पेपर मिले, ताकि आप बाद में भी देख सकें कि कैसे ये काम हुआ। इसके अलावा वो बच्ची ने बात कही थी, हमारी एक वेबसाइट है, उसका ये एड्रेस है, ये आप नोट कर लें सारे, tlf.nvpschool.com। ये लाइट फाउंडेशन की वेबसाइट है, और जो कुछ भी ट्रेनिंग यहाँ हम दे रहे होते हैं वो बिलाखिर इस वेबसाइट के ऊपर हम डाल देते हैं, ताकि बाद में भी आप अगर कोई चीज़ देखना चाहें, किसी को दिखाना चाहें,
तो ये जो क्लास आज हो रही है ये सब के सब वहाँ इंशाल्लाह मौजूद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते में फिर आपका इंतजार करूँगा।